हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसर कारी। टुडे वी आर डिस्कसिंग जीएस सेक्टर 1 ऑफ विजन आईएएस। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द चोलास आर इनएक्सट्रिसिबली लिंक्ड विद द जेनिथ ऑफ द्रविड़ियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें मैंने बताया कि इट इज बेसिकली लव टुवर्ड्स द नेचर एंड गॉड। एग्जाम्पल, तंजावुर टेम्पल रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, और दूसरा और नटराज। तो उसका मैंने कनेक्ट कर दिया कि कैसे दोनों जेनिथ है, इनके थ्रू नृत्य, नटराज, द्रविड़ियन आर्ट, डिजायर फॉर भक्ति, बट ऑल्सो द स्पीक्स ऑफ द वर्ड ऑफ द गॉड थ्रू आर्ट, सटल इमेज मैसेज ऑफ एनलाइटमेंट एंड सेल्वेशन। ऐसे करके कनेक्ट किया उसने, ड्रॉइंग बना के छोटा सा। हाँ, मतलब दो एलिमेंट्स आपने ले लिए, दो एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। तो ठीक है, मतलब इसमें फिर आपने फर्दर एलिमेंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। तोराना है, ब्यूटीफुल है, स्टेयरवेज लाइक स्ट्रक्चर, विमानस, तो जेनिथ तोराना ऑफ लास्ट तोराना। द्रविड़ियन आर्ट, जेनिथ ऑफ द्रविड़ियन आर्ट एंड हाँ आर्किटेक्चर नीचे से करें, लिंक है चोलो का। तो नीचे में कि पहले ऊपर ऊपर। हाँ यहाँ पर पहले जो निटर जो ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर था वो, जैसे फॉर एग्जांपल डांसिंग बेल का, वो थोड़ा डिफरेंट था बहुत। लेकिन अभी जो है वो एक तरह से दिखाता है नृत्य ऑफ द विक्ट्री ऑफ द माइंड ओवर इवल थॉट, और कॉम्प्लेक्स हो गया और क्वाइटर मीनिंग उसका आर्ट का एंड हाँ, मतलब पहले आप आर्किटेक्चर। ये बात कर सकते थे कि द्रविड़ियन आर्ट इसको एंड आर्ट, कंपैरेटिव करते हैं हाँ, जेनिथ एक और, वाला स्टेज था, उसमें जो एलिमेंट्स थे वो अब चोलास के आर्ट पल्लवास का में एक, कैसे दिखते हैं। हाँ, पल्लवास का एक लेके आते हैं द्राविडियन स्ट्रक्चर, उसको कनेक्ट करते हैं फिर। ठीक है। फिर अमंग द मेजर लेगेसी ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज फॉर्म्ड एंड इम्पोर्टेंट रोल। तो बी आर अम्बेडकर बताते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर नहीं होगा तो पॉलिटिकल इक्वालिटी फ्यूटाइल है। तो सिविल लिबर्टी उसी हिसाब से कि कैसे सिविल लिबर्टी ऐसे फंडामेंटल राइट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेहरू रिपोर्ट, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन इन देयर राइट्स, शारदा एक्ट हो गया, इक्वल वोटिंग, हरिजन मूवमेंट लेड बाय गांधी से, टेम्पल एंड्रिंग, ये सिविल लिबर्टी उस समय का था। और कैसे वो विजन बाद में भी रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस, सिविल राइट्स 1955, प्रोटेक्शन माइनॉरिटी, सेकुलरिज्म, एस सी एस टी ओ बी सी 1990, 1989 का एस सी एस टी एक्ट। दस लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट वॉज टू फॉर्म अ प्लूरल डाइवर्स सोसाइटी विद एवरी वन हैविंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉस्पेक्ट। यहाँ पे बोल रहा था कि मेजर लेगेसी द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट सिविलिटीज दे फॉर्मड एन इम्पोर्टेंट वन। तो मेरे हिसाब से खाली फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पीरियड के ही बात करते, क्योंकि वर्ड लिमिट भी 150 वर्ड्स ही है। तो सिविल लिबर्टीज फॉर्मड इम्पोर्टेंट एलिमेंट, आपने इसको लिखा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी वो इम्पोर्टेंट पार्ट रही है। तो मेरे हिसाब से पोस्ट लेगेसी था इंडिपेंडेंस इसका। का रिक्वायर्ड नहीं था, फ्रीडम ठीक, मूवमेंट के अराउंड ही बात करते हैं। बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1984, 85, इट मेनी वे सेट अ ग्राउंड फॉर द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। तो मैं बताया बर्लिन कॉन्फ्रेंस न्यू फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन था बाय इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक पर्सिपुएशन एम्पायर। अफ्रीका वॉज की डोमिनेशन, क्यों था इम्पोर्टेंट उसके लिए, क्योंकि गोल्ड था उसके पास, सिल्वर, चीप लेबर, और प्रैक्टिस ग्राउंड फॉर इन्वेंशन ऑफ न्यू वेपन। सो डिवाइड फॉर अफ्रीका ऑन पेपर, इसके लिए बर्लिन कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट था उन लोग के लिए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल बिस्मार्क, ईच यूरोपियन पावर लाइक ब्रिटेन एंड इटली वुड गेट द फेयर शेयर, डिवाइड एंड रूल हुआ बेसिकली। और 1815 में जैसे मेटर्निक सिस्टम था, वैसे ही अफ्रीकन लीडर्स, वैसे वो एक तरह से अफ्रीका के लिए था 1878 के आसपास, 1884 के आसपास। तो वेयर अफ्रीकन लीडर्स वर नॉट प्रेजेंट, दे वर वॉइसलेस अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ बेल्जियम एंड कॉन्गो। और नेक्स्ट 30-40 ईयर्स में राइवलरी सून इरप्टेड इन द री आर्मामेंट अगेंस्ट ईच अदर फॉर स्ट्रैंगल फॉर अफ्रीका एंड देयर बाय लीडिंग टू द अलायंस बिल्डिंग एज ए ट्रिपल एंटेंट। यहाँ पे आपने अच्छे से तो दिख रहा है कि मतलब आपको पता है, और आपने उसको लिखा कि कैसे हुई हैं चीजें अराउंड दिस स्क्रैम्बल इन अफ्रीका, कैसे इमर्ज हो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। मतलब पहले वाले आंसर्स में अभी तक ये लग रहा था कि थोड़ा कम लिखा हुआ है आपने, यहाँ पे ऐसा नहीं लगा। फिर क्लाउड बस है क्या, इफेक्ट क्या है? तो व्हाट इज क्लाउड बस, कि लिमिटेड एरिया में रेनफॉल होगा, हैवी रेनफॉल लेस टाइम। एग्जांपल देते उत्तराखंड का, देयर इफेक्ट पूछा, देयर इफेक्ट डैमेज ऑफ टॉप सॉइल, लैंडस्लाइड कारण, डिस्ट्रक्टिंग ऑफ वाटर एक्वीफर, रिचार्जिंग, डिस्ट्रक्शन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कॉजिंग डिफिकल्टी इन रिबिल्डिंग, ये हो गया। एंड मोर फ्रीक्वेंट क्यों है हिमालयन रीजन, एक और क्वेश्चन था उसमें। तो क्योंकि पहला जो कूल टेम्परेचर फॉर्म होता है कंडेंसिंग वाटर वेरी क्विकली, तो एक एग्जाम ड्रॉइंग बना दे छोटा सा हायर लेवल में। और ऐसी दूसरा है कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है,
जिसके कारण एडियाबेटिक कूलिंग ज्यादा होता है और रिलीज ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ रेन, तो उसका भी एक ड्रॉइंग बना दिया। दस टू डील विद द कोर ब्लास्ट, लास्ट मैंने बताया एक कंक्लूजन में कि क्या होना चाहिए, तो लेस हिली कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ऑन वीक सॉइल और वाटर टनल होना चाहिए टू एक्ट एज ए गेटवे फॉर एक्सेस फ्लो ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन। काफी सारे एलिमेंट्स कवर किए अच्छे से, मतलब ये आंसर कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है और कंप्लीट लग रहा है। तो दो ठीक है, मेन नेक्स्ट चार दिए और तीन डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज था और फिर हाँ वो तीन एलिमेंट्स थे क्वेश्चन में, और फिर बीच में आपने जो डायग्राम भी ड्रॉ करे, अब वो ऐसा नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि डायग्राम्स में आपने क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा नहीं लग रहा है। फिर बोला कि डिस्पाइट इट पोटेंशियल देयर सेवरल चैलेंज इंप्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंकेज, तो मैं बताया केन बेतवा ड्राइंग बना दिया बुंदेलखंड रीजन में, तो इट फेसेस ड्रॉट ड्यू टू वाटर स्कैसिटी, तो गेट केन बेतवा इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। तो पहले मैंने चैलेंजेस बता दिए, चैलेंजेस के इनॉर्मस कॉस्ट है, विच क्वेश्चन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, दूसरा हार्मिंग लोकल इकोलॉजी बाय सबमर्जिंग ऑफ जोन बाय अंडर फ्लड वाटर, इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, लोकल नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका भी होगा सबमर्जेंस, दूसरा कि क्या वो सॉल्व कर पाएगा इशू, इट डज नॉट सॉल्व द इशू ऑफ वाटर प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी ऑफ वाटर यूज बाय द फार्मर, दूसरा कि इशू ऑफ टाइमली लैंड एक्विजिशन एंड सेटलिंग ऑफ ईआईए, ये चैलेंज हो गया। डिस्पाइट दैट इट शोकेस पोटेंशियल, तो उल्टा मैंने लिखा बेसिकली, इट शोकेस पोटेंशियल डिस्पाइट डिस्पाइट दैट, क्योंकि वो इट विल एक्ट एज अ फ्लड वाटर गेटवे फ्रॉम गेट केन टू बेतवा, दूसरा इरीगेशन पोटेंशियल वुड इंक्रीज इन द बुंदेलखंड रीजन, अ ड्राउट सिक्योरिटी मॉडल विच वुड बी एक्सेप्ट एंड यूज इन अदर रिवर रिंकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया, स्पेस नेचर एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पे सीजनैलिटी ऑफ रिवर वाला पॉइंट भी लेके आ सकते थे ना, एक बड़ी स्पेसिफिक हाँ पेपर हाँ के बारे में पूछे तो सीजनैलिटी ऑफ रिवर, अब इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेन तो उसमें करना। आया था, इसमें आया था पोटेंशियल में आया था कि हाँ सीजनैलिटी रिवर के कारण भी वो सस्टेन हो सकता है लॉन्ग टर्म। आइडेंटिफाई की इश्यू रिलेटेड टू प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ कोल इन इंडिया, तो दो है प्रोडक्शन सप्लाई, एक ही मैंने मारा, और हाउ कैन वी एड्रेस, तो दो क्वेश्चन है इसमें। तो मैं बताया कि मेजोरिटी ऑफ बिटुमिनस क्वालिटी ऑफ कोल जो इंडिया में है वो गोंडवाना लैंड रीजन, झरिया रानीगंज एक्सेट्रा, प्रोडक्शन सप्लाई इशू क्या क्या है, लेट डी नेशनलाइजेशन हुआ इस कारण कैप्टिव यूज नहीं हो पाया, कैपेक्स एक्सपेंडिचर कम बाकी सब इंडस्ट्री में, मेजर मेनी ऑफ द इंडस्ट्री फेसेस चैलेंज ऑफ लॉजिस्टिक इशू ऑफ इंटीरियर ड्यू टू सिक्योरिटी एंड टेरेन, झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़, इंडियन कोल डज नॉट हैव अ हाई कार्बन वेयर एज कोकिंग कोल इज डिफिकल्ट टू मेक, सो मेजोरिटी दे आर लाइंग इम्पोर्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, प्रेजेंस ऑफ ओल्ड माइन और रैट होल माइनिंग सिस्टम अफेक्टिंग लेबर चैलेंजेस इन द रीजन, इश्यूज कैसे एड्रेस हो सकते हैं, तो जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीआईएस सर्वे वो कर सकते हैं, स्पेस सैटेलाइट डेटा, तो इसमें सैटेलाइट का नाम रिकॉल नहीं कर पाया इसमें, वो जीसैट नहीं था, दूसरा कौन सा होता है, मतलब निशार होता है, तो याद नहीं आया था मेरे को इसमें, तो स्पेसिफिक सैटेलाइट है रिलेटेड टू द सर्वे तो वो लिख देते हैं, एसपीवी मॉडल प्राइवेट कंपनीज का फॉर नो नॉन कैप्टिव यूज ऑफ कोल, और दूसरा ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए बायो कोल जैसे फॉर कुकिंग, और जैसे एग्जाम्पल बायोगैस बायोगैसेस जो शुगर कैन का होता है टू कोल, तो प्रोडक्शन एंड कोल सप्लाई सप्लाई ऑफ एड्रेस कोल इन इंडिया, तो यहाँ पे इवन सप्लाई ऑफ एड। कोल में भी हम जैसे रेलवेज रेलवेज का यूज होता है, तो वहां पे क्या चैलेंजेस अगेन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ मेरे हिसाब से वो भी आ सकता था, डिसरप्शन जो हमारी सप्लाई चेन्स है डोमेस्टिक लेवल फ्रीट पे चार्ज से बात कर सकते हैं, उसके फ्रीट बारे में, फ्री जो हाँ सर फ्री फ्रेट चार्जेस, और जो कनेक्टिविटी भी है मतलब फार वो उसी फ्लंग में आ गया लॉजिस्टिक में आ गया। उसमें आ जाता, प्रोडक्शन में डोमिनेंस ऑफ वही पब्लिक सेक्टर जो आपने लिखा कि लेट डी नेशनलाइजेशन, थोड़ा बहुत उसी के बारे में ही है, और प्रोडक्शन में कैप्टिव यूज बोला कि पहले जितना यूज करना उतना ही करो, बेच नहीं सकते बेसिकली हाँ ये अलग कैप्टिव से। वाला हाँ भी बाद में आया ये चीज भी, ये बहुत स्टार्टिंग में नहीं हुआ, और मतलब मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन भी, वायबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल की भी बात कर सकते थे, ठीक, और हाउ कैन इट बी एडेड, ये आपने लिख दिया है। फिर प्रेजेंस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया, प्रेजेंस बताना है और डिस्कस चैलेंजेस, तो मैंने प्रेजेंस बता दिया मैप से, एप्पल सैफरन कश्मीर में, मखाना बिहार, टी प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर राजस्थान, कॉफी टी कर्नाटका, मिल्क गुजरात, वीट राइस ये, और केरला में स्पाइसेस, ये एग्रो बेस्ड हो गया, और नीचे में ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है यहाँ पर, तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और फिर चैलेंजेस कोल्ड स्टोरेज चैलेंजेस अवेलेबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईसीए एक्ट अगेंस्ट होर्डिंग,
दिस लीड टू द वेस्टेज, ह्यूज वेस्टेज ऑफ पेरिसेबल आइटम हॉर्टिकल्चर. एपीएमसी होल्ड होता है ओवर द सेल ऑफ गुड्स फार्मर, लीडिंग मेकिंग डिफिकल्ट फॉर इंटर स्टेट बिजनेस एंड डिस्कवरी ऑफ प्राइसेस. लेस अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस आउटपुट डेटा बाय द एग्रो कंपनी मेक्स इट डिफिकल्ट टू एड्रेस द क्रॉप प्राइसेस. एग्जाम्पल ई नैम है वो अडॉप्ट हुआ है वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्टेट्स. तो सॉल्व कैसे करें, तो रिफॉर्म करना चाहिए ईसीए को, फार्म लॉ फार्म बिल 2020 को रजिस्ट्रेट करना चाहिए और बूस्ट करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट टू सिक्योर प्राइवेट फार्मर. इसमें मैप के थ्रू तो अच्छे से आपने बता दे तो ये अच्छा लगा। उसके अलावा पूछ रहे हैं चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं बाय द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें, कोल्ड स्टोरेज आपने लिख दिया, एपीएमसी एक हो। जो इम्पोर्टेंट था एफपीए का लेकर आते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ना, तो एफपीए नहीं, इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो फॉरवर्ड लिंक है बैकवर्ड लिंकेज उसका एक आता है इसमें डायमेंशन. हाँ वो ये चैलेंज। इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड ब्रॉडर आया ये कि लॉजिस्टिक और उससे रिलेटेड आ गया सप्लाई चेन से आगे, हाँ लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मेन कोर है हाँ वो पहला इसका नाम था. एजुकेशन है वो भी बाकी फिर लेस आपको ऐड अबाउट करना कुछ कि हो बट। सकता है. और तो मेरे हिसाब से और कोई पॉइंट आ नहीं रहा है। मेरे माइंड चैलेंजेस फेस बाय द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में, मतलब फार्मर लेवल पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की भी अगर हम बात करते हैं, जो फार्मर्स डायरेक्टली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को अगर सेल करे तो वहां पे भी अगेन थोड़ा प्राइस प्राइस में कुछ इश्यूज या लेस प्राइजेस के अराउंड कोई चैलेंज हो सकता है, या ऐसा कोई मैकेनिज्म जो हो कि वो डायरेक्टली सेल कर सकते हो टू द इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम जो शुगर केन वाला है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है तो वो ईज ऑफ सेलिंग नहीं है फॉर द फार्मर्स, ऐसा कुछ वी कैन टॉक अबाउट। फिर कास्ट सिस्टम में इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी ग्रेट ड्राइवर ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया. तो की ड्राइवर है, तो मैंने बताया प्रोफेसर गहलोत है बताते हैं कि कास्ट सिस्टम प्रमोट्स इनवर्ड लुकिंग नेगेटिव कंपटीशन अमंग ईच अदर, दिस लेड टू द हार्मिंग ऑफ सोशल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल इन लॉन्ग टर्म व्हिच बिकम्स ड्राइवर्स ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. कैसे, तो इनइक्वालिटी ड्राइवर कैसे, कास्ट प्रमोट्स हायरार्की इन रिचुअल सोशल स्टेटस अगेंस्ट मैरिज सिस्टम, प्रमोट्स द आइडिया ऑफ पॉल्यूशन प्योर जो विच मार्जिनाइज पीपल वर्किंग इन क्लीननेस जॉब्स सैनिटेशन, और वैसे ही पॉवर्टी ड्राइवर है कैसे कॉन्फ्लिक्ट करता है अमंग जातीज लीडिंग टू रेवरी कल्चर हार्मिंग सोशल कैपिटल, मार्जिनाइजेशन ऑफ द सम कास्ट लीडिंग टू इलिटरेसी एंड साइक्लिक पॉवर्टी, कास्टिज्म नेग्लेक्ट्स द ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ बाई नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू यंग फॉर ऑल्टरनेटिव जॉब्स. सो इन द मॉडर्न सोसाइटी एलिनेशन ऑफ कास्ट कैन टेक प्लेस ओनली आफ्टर डायल्यूटिंग इट्स रिलेवेंस. कैसे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन लॉज, SCST एक्ट, अफर्मेशन एक्शन, बर्नेवा सेक्शन, सोसाइटी रिजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ इंटर कास्ट डाइनिंग. ये अच्छा लिखा है आपने, काफी सारे एलिमेंट्स लिखे हैं। कास्ट सिस्टम कैसे कंटिन्यू करते हैं, इसको आपने डिवाइड कर दिया पॉवर्टी और इनइक्वालिटी इन इंडिया, इसको डिस्कस किया है ठीक है, फिर एंड में आपने इसको पॉजिटिवली एंड किया, तो अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब इसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। फिर डिस्कस द इशू फॉर द डोमेस्टिक वर्कर इन इंडिया सजेस्ट मेजर्स कैन डेम पावर. तो डिग्निटी ऑफ लेबर पहले बताया, डिग्निटी ऑफ लेबर नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड विद केस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर इन इंडिया दे फेसेस सेवरल चैलेंजेस. कैसे, डिस्क्रिमिनेशन बाई हाउस होल्ड एम्प्लॉयर ड्यू टू नो पॉलिसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायरिंग. तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट उसी मैंने बता दिया मेजर्स क्या कि आप ही का बोला ठीक है था कि अलग से डिफरेंट रहता ना, तो इसके बाद सो करते रिटन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी देयर फॉर देम फॉर सिक्योरिंग द टाइम वेजेस एंड हॉलीडेज. केसेस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज इवन बाई वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड एज मेजोरिटी ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स आर फीमेल दे आर वल्नरेबल टू द अब्यूज इन क्लोज गेटेड सोसाइटी हु व्यूज देम एज आउटसाइडर. फॉर देम रिटन कंप्लेन मैकेनिज्म शुड बी देयर इन एवरी सोसाइटी सो दैट यूनियन कैन टेक अप द इशू विद द पुलिस एंड सेटल द मैटर. लेस इंक्रीमेंटल वेजेस ड्यू टू प्रेवलेंस ऑफ पॉवर्टी अमंग द इंडियंस, मेनी ऑफ देम आर रेडी टू वर्क बिलो मिनिमम वेज. उसके लिए मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी अंडर पीएम श्रम और पीएम स्वनिधि शुड बी फुलफिल्ड बाई एम्प्लॉयर अपार्ट फ्रॉम मिनिमम वेज लाइक यूएसए वैसा होना चाहिए. हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो अप्रोच ली, साथ में इशू बता दिया, उसने सोल्यूशन बता दिया, तो उससे कनेक्टिविटी अच्छी बन गई। और मेजर तो यही प्रॉब्लम्स है जो आप लेके आए हो, और इन्हीं आपने ये मतलब कुछ और लोकल भी आता है लेकिन फिर डिस्कस नहीं हो लाइफ, पाता फिर. हाँ रियल लाइफ की बात करी, जैसे इतने स्टार्टिंग से किया कि डिग्निटी ऑफ लेबर की पहले बात की जानी चाहिए, उसके बाद आती है सारी प्रॉब्लम्स, तो अच्छा लगा। मतलब वही सिंपल रियल लाइफ की आपने बात करी कि एक्चुअली में होता क्या है उनके साथ। गिवन डीप जेंडर्ड इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स एग्जामिन द नीड टू रीथिंकिंग द करेंट अप्रोच. तो जेंडर इम्पैक्ट बात करना है क्योंकि और एक और दूसरा रीथिंक करना है अभी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर है इंडिया. तो मैंने बताया विदाउट वुमेन एम्पावरमेंट द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर वुड नॉट बी अ सक्सेस.
देयर इज नीड टू रिथिंक द करंट अप्रोच पॉपुलेशन. कैसे? अभी जो हो रहा है वो दे फोकस फोकसेस सोलली ऑन लिटरेसी ऑफ कपल, बर्थ कंट्रोल बेसिस और नजिंग मैकेनिज्म बाय गवर्नमेंट लाइक स्कीम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मैटर्स ऑफ स्कीम्स. सो मोर फोकस शुड बी मेड ऑन वुमेन. कैसे? एज सी इज द फर्स्ट पेरेंट टू नर्चर दिस एडोलेसेंट, द इन्फॉर्म चॉइस लीड्स टू अबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्टिव न्यूट्रिशन लेड टू द नॉर्मल फिजिकल कॉग्निटिव ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. देन ओनली द मेजर्स कैन बी मूव टूवर्ड्स द मेन हु कैन be educated on use of male contraceptive, semen retention or alternative form of pleasure other than sex. So population control needs gender-centric approach stepwise to be success, as India has already been able to achieve 2 TFR by 2020. इसमें ये मतलब gender type. हाँ, most of the aspirants ये यही भूल जाएंगे कि दोनों genders के बारे में बात करनी है. तो मेल का भी हाँ, तो ये लिख के मुझे ऐसा लगा कि जेंडर न्यूट्रल भी इम्पोर्टेंट है, उन लोगों की बात करनी है. तो फिर मैं बताया कि विमेन का पहले इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मेल का. तो जिसमें डीपली जेंडर्ड इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, तो उसके बाद रीथिंक आपने करना चाहिए. मतलब अगेन जो हाँ रीथिंकिंग के ऊपर ही आपने पूरा आंसर लिखा है, और उसी के अंदर वो फिर जेंडर न्यूट्रलिटी वाला एलिमेंट है, तो अच्छा है. फिर एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ श्रमणा ट्रेडिशन ऑफ वैदिक रिलीजन एंड इट्स रिलेशन विद इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका स्टेट. तो मैं बताया द फर्स्ट श्रमणा ट्रेडिशन वेयर द आजीविका स्टेट हु आइडियाज वर बेस्ड ऑन नेचर गॉड, आइडियाज ऑन नेचर एंड गॉड हैड क्लोज रिलेशन विद इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. कैसे? सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है बेसिकली दे डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट सम ट्रेडिशन लाइक जैनिज्म एक्सेप्टेड तीर्थंकर बेस्ड होली मैन वंस ऑन स्पिरिट. दे एक्सेप्टेड दैट स्पिरिट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्डली लाइफ to move beyond that salvation was needed. For example, Buddhism mein Dhamma Chakra Pratipatta, they believed all that person were, all person were equal in eyes of God nature. Vaisi, so it is important for everyone to respect them. However, Ajivika said, goes forward and says that enjoyment on earth is the last goal of every human. Whereas both Jainism and Buddhism lays importance on moksha. The difference, okay? With this Sarvana tradition do impact the Vedic religion of that time. Kaise? Vedic religion failed need to include all sect and caste for revival. This was seen through during the Adi Shankaracharya work in life. Panchayatana style of worship of creation of mutt. Focus on bhakti and salvation was way ahead to profess equality among the jatis and open tradition to lower caste. Example, bhakti stand of Southern, Alvar and Nayanar appropriate the need to competitive to be competitive to Sramana ideology, making Buddha avatar of Vishnu. Example, they slowly did away with complex ritual and sacrifice and made way for the simple language to understand the mantra. Bhakti sant Chaitanya Mahaprabhu and Tulsidas. So, what the impact kya hua? Pehla question, dusra ki baaki sab ka wo kya hai? Matlab, examine the impact on Vedic religion or relation with other Jainism, Buddhism, Ajivas. Emergence. Basically, kya relation hai? It's relation. Connect kiya apne. Emergence se connect kiya. Main important cheez to yehi hai. उसमें आपने चरखा सॉल्ट और भगवत गीता सिंबॉलिक लैंग्वेज हरिजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम होना चाहिए फिर डू और डाई. तो चरखा तो मैं बता एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं. चरखा कैसे मोटिवेट करता है मां से स्वदेशी क्लॉथ के लिए अगेंस्ट योर मैनचेस्टर मेड क्लॉथ. It was to create a chain of village industry where women and men worked on equal basis for self-sufficiency. Mm-hmm. The salt tax was marked a blot on the Indian independence by Britishers. By picking up the salt, he wanted to educate India about the breaking morally wrong law for ethical action and sending message to British for future course of action if they did not act. Whereas Bhagavad Gita in his hand promoted pluralism and diversity in thinking regarding sect and minority. He recited Ishwar Allah Tero Naam to remove the fear of majoritarianism in the minds of minority. In addition to it, he called for duty just like Krishna says to Arjuna. This motivated the revolutionary of India. Same by Harjan ke liye ki kaise unka dignity hua or they wanted to create awareness among the upper caste against the social evil. Waise do or die bhi kaise defend the motherland. He wanted widespread participation of revolutionary left, Muslim and women in national.
इसमें एक तो तो स्ट्रक्चर में सिंबल एंड जैसे सिंबोलिज्म। पूरा आपने पूरे इसको पैराग्राफ बेस लिखा है, तो बीच बीच में छोटे छोटे चार्ट्स ड्रॉ कर देते ना, तो जैसे आपने मल्टीपल आइडियाज, क्योंकि अब इतने सारे सिंबल्स और सिंबॉलिक लैंग्वेजेस के बारे में आपने बात करी, तो पैराग्राफ फॉर्म में वो थोड़ा मोनोटोनस हो गया, तो उसको अब रीड करना पड़ेगा, तो बीच बीच में छोटे छोटे चार्ट्स ड्रॉ कर देते क्लियरली कि बहुत सारे एलिमेंट्स ये इंक्लूडेड थे इसके अंदर, या ये प्रमोट किया, तो उससे और थोड़ा क्लियरली दिख जाता। बाकी जो एग्जाम्पल्स दिए अप्रोप्रिएट है और ऐसे मैंने उसको, उसको मार्क कर दिया था सर्कल कि दिखा कहाँ पर लिखा हुआ है हाँ ये तो हर एक अंडरलाइन तो कर दे, बट फिर का। वो थोड़ा और अच्छा लगता है, रिप्रेजेंटेटिव और अच्छा लगता है। तो ठीक इंटीग्रेटिंग मासेस इनटू द नेशनल मूवमेंट एंड अगेंस्ट द सोशल इवेंट्स, तो शेड ये लाइट ऑन यूज ऑफ सिंबल एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। मतलब मासेस को कैसे अट्रैक्ट किया नेशनल मूवमेंट में, और अगेंस्ट द सोशल इवेंट्स इन सिंबल्स और लैंग्वेज ने कैसे हेल्प करी, तो वो थोड़ा सा मिसिंग नहीं लग रहा है। सॉल्ट यहाँ पे इंडियन इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स पे, क्योंकि सॉल्ट वांटेड टू एजुकेट इंडियंस अबाउट, ये तो ठीक है आपने बात करी, कि ये भी लेके आते ना कैसे डांडी मार्च के थ्रू मासेस अट्रैक्ट हुए, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आपने बात करी कि ये हुआ, ये वो करना चाहते थे थ्रू दिस, तो करना चाहते थे थ्रू दिस की वो क्वेश्चन ही पूछ रहा, कि मासेस को कैसे अट्रैक्ट किया और अगेंस्ट ये जो यूज किए सिंबल्स हाँ या, मतलब कि एक लाइन सबका लिख देते कि डांडी हाँ मार्च हुआ था स्वदेशी मूवमेंट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिख देते हाँ चरखा वो वाले सही में। बात है, हाँ और फिर मूवमेंट, बट अगेन जैसे वो बोल रहा है मासेस को कैसे अट्रैक्ट करने में हेल्प किया इन सब चीजों ने, तो मासेस के ऊपर जो ठीक अगेन उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर या उनकी थिंकिंग के ऊपर कैसे इन, क्योंकि ये कॉमन यूज वाली चीजें थी। सॉल्ट की बात करो तो मतलब हर एक हाउस होल्ड से रिलेटेड है, तो हाँ इस वजह से वो बेनिफिट ज्यादा प्रूफ किया। ठीक है। द ग्रीव गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ थ्री कार्नेटिक वॉर और डिस्कस फैक्टर दैट लेड टू द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट फ्रेंच इन द स्ट्रगल ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया। तो मैं बताया थ्री कार्नेटिक वॉर वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनी ओवर सुप्रीमेंसी ऑफ मोनोपोली इन इंडियन ट्रेड। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ ऑस्ट्रियन वॉर के साथ 1740 में, शोकेज लैंड पावर ऑफ फ्रेंच अगेंस्ट द ब्रिटिश। सेकंड कार्नेटिक वॉर हुआ और हेल्ड ओवर द सक्सेशन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक इन 1750s। हियर डुप्लेक्स वुड हैव वॉन बट वॉज रिकॉल्ड, द फ्रेंच लॉस्ट एंड साइन ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी इन 1754। थर्ड कर्नाटिक वॉर वॉज बिकॉज ऑफ 7 ईयर वॉर इन यूरोप विच एंडेड इन 1763, रिजल्टेड इन लॉस ऑफ फ्रेंच इन बैटल ऑफ एंटीबस एंड ब्रिटिश इमर्ज एज सोल विनर ऑफ ओवर द यूरोपियन। तो ये बेसिक हो गया उसका थ्री वॉर। अ फैक्टर लीडिंग टू द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश कि ब्रिटिश का ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था, फ्रेंच का ब्यूरोक्रेटिक कंपनी था, दे हैड फास्टर एफिशिएंट वे टू मोबिलाइज मनी एंड ओवर द फ्रेंच। दूसरा के बाद 1757 बैटल प्लासी में ब्रिटिश के पास वेल्थ ऑफ बंगाल मिला, लेकिन फ्रेंच के पास कर्नाटिक रीजन में था, लेकिन वेल्थ ऑफ बंगाल जो था मच वास्ट देन द कर्नाटिक रीजन डेक्कन। फिर ब्रिटिश है सुपीरियर नेवी देन द फ्रेंच। फ्रेंच लैंड फोर्सेज डिड नॉट हैव द लॉजिस्टिक सप्लाई लाइक ब्रिटिश, जैसे क्लाइव मद्रास से आए थे शी से। तो ब्रिटिश के पास डिप्लोमेटिक ऑटोमेटिक कैपेबिलिटी था अंडर द क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव, वेर एज इन क्रूशल मोमेंट द फ्रेंच रिकॉल टू प्ले बैक टू फ्रांस। सो फ्रेंच पोजिशन इंडिया वॉज वीकेंड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश। द विक्ट्री इन यूरोप डिसाइडेड अ फेट इन इंडिया। इट टुक 10 ईयर्स फॉर द फ्रेंच टू टीच ब्रिटिश लेसन इन अमेरिका इन 1774। तो ये दूसरा हो, तो यही है दो एरिया हाँ क्वेश्चन। जो स्टार्टिंग वाला है ये वॉर्स का भी अगर पॉइंट में लिख देते छोटे छोटे, जैसे हेडिंग देके फर्स्ट कर्नाटिक वॉर और उसके अंदर माइक्रो पॉइंट्स हाँ लिख, उसका ठीक। और बाकी तो यहाँ पे इसमें सेंटेंस बनाने में आसान लगा था मुझे तो, इसलिए मैंने हाँ उसमें स्पीड हुई। हाँ उससे ठीक, एक्सप्लेन कर देते हैं वॉर को या यहाँ पे ये और जो ये फैक्टर्स फैक्टर्स लीडिंग टू। वाले में मतलब हेडिंग लिख देते हैं, जैसे कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आपने बात करी, या जॉइंट फिर स्टॉक कंपनी ओवर ब्रूटेगटी कंपनी ऐसे लिख देते हैं हाँ कुछ ऐसा हेडिंग लिख बनाकर। देते शॉर्ट में, तो दिख जाता कि मेन रीजन ये था, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपने जो आगे किया उसको ऐसे ही कर देते। प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ इशू दैट लेड टू द पंजाब क्राइसिस ऑफ पंजाब इन 1980s। डिस्कस द रोड मैप कैसे अडॉप्ट हुआ पीस का। तो तो नाइनटीन बड़ा एटीज में पंजाब में इशू कैसे प्रोवाइड किया। तो मैंने बताया पंजाब ने इंडेंटिटी वॉज अ ब्लैक डिकेड फॉर होल इंडिया। रेडिकलाइजेशन और किलिंग वॉज अ सेटबैक टू इकोनॉमिक गेन अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब। ये हो गया अकाउंट ऑफ इशूज कैसे। इकोनॉमिक फ्यूडलिज्म हुआ जिसके कारण नॉन सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म वहां पर नहीं हुआ था। दिस लेड टू इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन अमंग द खुद कष्ट जमींदार एंड क्रॉप शेयर। डिफीट ऑफ द पाकिस्तान 1971, देयर विजन फॉर ब्लीड इंडिया विद 1000 कट स्ट्रेटजी। दिस वॉज टू रेडिकलाइज द सिख ऑन द आइडिया ऑफ खालिस्तान सेपरेट लैंड फॉर सिख।
दे यूज नार्कोटिक एंड स्मगलिंग ऑफ वेपन्स मटेरियल अक्रॉस द बॉर्डर। तो दूसरा लो स्टेट कैपेसिटी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम था, देर रिसोर्टेड टू ज्वाइनिंग द अपर खालसा एंड टीएलएफ अंडर संत भिंदर वाले। शॉर्ट टर्म बेनिफिट इन इलेक्शन बाय बोथ सैड एंड कांग्रेस इन पंजाब लेड टू द इनिग्रेशन ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी, दस आर्सन रैकेटरिंग एक्सटॉर्शन नेम ऑफ खालिस्तान अकर्ड, दिस लेड टू फीलिंग फ्लीइंग ऑफ हिंदू एंड मजहबी सिख्स आउट ऑफ हरियाणा काउजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस 1950s। रोडमैप कैसे हुआ, हैब्जर्ड ब्लू स्टार कंपेन अगेंस्ट द खालिस्तान टेररिस्ट डैमेजिंग द गोल्डन टेम्पल लीडिंग टू असैसिनेशन ऑफ पीएम इंदिरा गांधी एंड एंटी सिख राइट। ऑपरेशन ऑफ ऑल आउट अंडर द केपीएस स्केल अगेंस्ट टेररिस्ट 1990s। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लाइक इंक्रीज ऑफ एमएसपी फॉर राइस एंड वीट, डेवलपिंग ऑफ लुधियाना अमृतसर, डी रेडिकलाइजेशन एंड नशा मुक्त केंद्र फॉर यूथ ऑफ पंजाब, दस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वे अहेड टू चैलेंज, वॉज वे अहेड होगा, वॉज द वे अहेड इज दिखते वॉज। अगर क्वेश्चन को रीड करते हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स लिखे आपने, मतलब बैलेंस करने की कोशिश करी वही कि ऐसा कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव चीज ना लिखी दी जाए। बस एक लिखा हुआ था सैड और कांग्रेस, क्योंकि हाँ मतलब वो कि अब उसको भी किस लिख ही तरीके सकते हैं, का क्योंकि मैटर नाम तो नहीं लिखा करता, किसी का, हाँ किसी वो पॉलिटिशियन का तो नाम नहीं है वैसा कुछ नहीं आया। बस स्टार्टिंग में बोलूंगी, स्टार्टिंग में लिखना कि ब्लैक डेकेड फॉर होल इंडिया, मेरे हिसाब से इसको ना लिखते हो, जो आपने बाद में लिखा है वो ऑब्जेक्टिव है, तो वो खाली उतना ही लिखते तो मेरे हिसाब से काफी रहता। ठीक। बाकी आपने जो पॉइंट्स लिखे अच्छे पॉइंट्स लिखे और बैलेंस किया है, ऐसे कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव पॉइंट नहीं आप लेके आए, और उसके बाद भी पॉजिटिव ही लिखा है, रोड मैप टू पीस कैसे किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको इकोनॉमिक से, मतलब इकोनॉमिक एंगल से ज्यादा कनेक्ट किया, डी रेडिकलाइजेशन के लिए बात की, नशा मुक्त केंद्र बनाए गए, ठीक है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ था, तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा आइडिया नहीं इसमें मैप के हाँ दौरान, तो मैंने इसको डायरेक्टली पॉइंट फॉर्म में लिख दिया कि मैप से नहीं पता था। तो मैंने यूज ऑफ थार डेजर्ट फॉर सोलर प्लांट, रेवा सोलर प्लांट एमपी में, फ्लोटिंग सोलर प्लांट को वहां पर तेलंगाना में कोची में, रूफटॉप सोलर प्लांट सिटीज और कुसुम। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। फिर पूछा है कि हाईलाइट द चैलेंजेस और लास्ट में मेंशन स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। दो और क्वेश्चन का ठीक है। चैलेंजेस, ई वेस्ट फ्रॉम द सोलर प्लांट इन लार्ज नंबर, हाई इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ओवर द होल इंडस्ट्री, हाई डेट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हाई डिपेंडेंस ऑन रॉ मटेरियल सिलिकॉन वेफर फ्रॉम चाइना 60-80% है, नीड फॉर फार्म लैंड फॉर इंस्टॉलेशन विच कैन बी ओनली इन बैरन एरियाज। तो ये प्रॉपर चैलेंजेस है। फिर स्टेप्स कैसे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है बजट में, वो प्रमोट करते हैं इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, थर्ड एयर टू यूज कर सकते हैं सोलर प्लांट के लिए, पीएलआई स्कीम है फॉर मेकिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन सोलर इकोनॉमी, इंस्पायर के अंदर में रिसर्च किया जा रहा है पायरोस्काइट सोलर टेक, सिलिकॉन बेस्ड नहीं है थोड़ा डिफरेंट है वो, इनमें नया टेक्नोलॉजी है। फिर गृह मॉडल है टू एनर्जाइज द ग्रिड इन सिटीज अंडर रूफ टॉप सोलर प्लांट, एग्जाम्पल हॉस्पिटल एंड पब्लिक ऑफिस। सो इंडिया बींग अ पार्ट ऑफ आईएसए एंड क्लाइम द क्लाइमेट फंड एंड टेक वुड बी अवेलेबल इफेक्टिवली इन सोलर एनर्जी सेक्टर। बस यहाँ पे ये जो इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी उसका थोड़ा सा और लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, जब ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब रीजन स्पेसिफिक बात कर सकते हैं कि कहाँ रीजन पे कहाँ स्पेसिफिक, पे हाँ कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, कहाँ पे हम वर्क कर वो रहे के हैं। लिए कौन स्टेट ज्यादा किया है वो हाँ ज्यादा फिर, हाँ बात कर सकते। एक तो सिंपली बात कर सकता है, अभी जो याद है 67 गीगावाट अभी स्टॉल हो चुका है इंडिया में, वो लिख देते हैं, और बाकी हाँ फिर थोड़ा सा और रीजन स्पेसिफिक। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा और, ठीक है। सो ये वाला ये आपने छूट गया था, ओके एक थोड़ा समय लगता है करने में, फिर टाइम एक्सप्लेन द ओके फिनोमेना ऑफ हीट वेव इंडिया में, हीट वेव का, और फिर कैसे कंडीशन फेवरेबल टू डेवलपमेंट ऑफ हीट वेव इंडिया में है, और हेल्थ इम्पैक्ट, तीन क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ठीक है। मैं बताया हीट वेव कैसे डिफाइन होता है, जब जहां पर इंटेंस हीट 6-8 डिग्री ज्यादा होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, विथ नॉर्मल वार्म टेम्परेचर होना चाहिए क्योंकि तो उससे ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखते 42-45 डिग्री प्लेन एरिया में, 38 से 42 डिग्री सी शोर में, एज अ कंडीशन फॉर हीट वेव, इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी एंड एक्सेस ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट रिजल्टिंग इन स्लो डेथ। कंडीशन फेवरेबल हीट वेव क्यों है इंडिया में, तो अक्टूबर हीट आफ्टर रिट्रीटिंग मानसून व्हेन देयर इज लो मूवमेंट ऑफ एयर मासेस, टेक अ प्रेजेंस ऑफ लोकल विंड लू फ्रॉम सेंट्रल एशिया ईरान रीजन विच इंक्रीजेस द फैक्टर फॉर हीट डोम ओवर द राजस्थान मध्य प्रदेश हरियाणा, हाई कंक्रीटाइजेशन ऑफ
सिटीज लाइक दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बनारस कारण भी, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है प्लांटेशन बेस्ड इकोनॉमी और एग्री फार्मिंग के लिए, उसके कारण लेस वाटर रिटेंशन हो रहा है, उसके कारण होता है। तो हेल्थ इम्पैक्ट छोटा सा है कि स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन, लूजिंग एक्सेस सॉल्ट, स्लोइंग वीकनेस ऑफ बॉडी, हेल्थ हाई टेम्परेचर कारण जो गुड बैक्टीरिया और गट में मर जाता है, और इन सम केसेस डेथ रहता है। ठीक है, मैं बस ये बोलूंगी कि आंसर्स जो लिख रहे हो अच्छे लिख रहे हो, पॉइंट्स भी सही लिख रहे हो, बट थोड़ा कीवर्ड्स मिसिंग है। जैसे यहाँ पे कॉन्क्रिटाइजेशन की जगह आप लिख सकते थे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ऐसे कुछ। अरे इसमें मुझे लगता है कॉन्क्रीट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हीट डोम जो होता है ना कॉन्क्रीट में होता है, हाँ वो होता तो उसकी इसलिए वजह मैंने से, उसको हाँ लिखा था, क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में बात कर सकते थे। हाँ अर्बन, हाँ वो रहता हाँ मतलब वही है अर्बन। कीवर्ड्स थोड़ा सा मिस नहीं लग रहा, बाकी तो ठीक है। चलिए, क्या प्रोवाइड अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन फॉरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, एक क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा हो गया, और तीसरा हाईलाइट द थ्रेट दैट आर बीइंग फेस्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो मैंने बताया कि हाँ ठीक है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें एक मिस हो गया, इसमें क्या? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का बात हुआ, ट्रॉपिकल का इंडिया का भी आया था थोड़ा सा वेस्टर्न घाट का। हाँ तो मैंने बताया इसमें कॉन्गो का बताया, फिर आया अमेजन रेन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इंडोनेशिया मलेशिया की कैरेक्टरिस्टिक आगे, कि वही कि इक्वेटोरियल पर है तो कन्वेक्शन रेनफॉल होता है हर दिन, वेरी डेंस होता है, नो शेडिंग ऑफ लीव्स होता है डेसिडुअस जैसा, एपोफाइट होता है और हायर कैनोपी डेंसिटी होता है, सॉइल लेस फर्टाइल होता है क्योंकि डिप्लेशन ऑफ ह्यूमस और प्रेजेंस ऑफ हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। तो वेस्टर्न घाट बेस में आता क्योंकि वो ट्रॉपिकल पूछा था, इक्वेटोरियल नहीं हाँ पूछा था। तो ट्रेड कैसा कैसा है, तो डिफॉरेस्टेशन है प्लांटेशन इकोनॉमी से, रबर पाम ऑयल इंडोनेशिया मलेशिया में फॉर एग्जाम्पल, अर्बनाइजेशन है क्लियरिंग ऑफ ट्रीज इन ब्राजील कॉन्गो, नेचुरल क्लियरिंग ऑफ बाई फॉरेस्ट फायर हुआ था ब्राजील में, तो ट्रेड वैसे। तो हाँ मतलब उसमें डेकन प्लांट, का भी लिखा है था, वो डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल था। प्लांटेशन, बस हाँ इंडिया वाला एलिमेंट एक तो मिसिंग है, वो ऑब्वियसली वो तो इम्पोर्टेंट हो गई अब सबसे ज्यादा। कि ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल होता तब सही होता, ट्रॉपिकल अरे लास्ट में लिखा था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो वेस्टर्न घाट आ जाता है इसमें। इंडियन सिटीज आर नॉट ओनली मिमिकिंग द सोशल एंड कल्चर स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन फाउंड इन रूरल एरिया, बट ऑल्सो आर ऑल्सो क्रिएटिंग फॉल्ट लाइन फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि जो रूरल एरिया में जो भी एक्सक्लूजन और इनइक्वालिटी है ना, वो मिमिक कर रहे हैं इंडियन सिटीज, ये बोलना चाह रहे हैं। और तो मैंने इसको अग्री किया, फिर लास्ट में बताया कि ऐसा नहीं भी होता, मैं एग्री करके बोला कि सोशल कल्चर एलिमेंट कैसे होता है इन रूरल एरिया, फ्यूडल माइंडसेट होता है, पेट्रियार्की होता है, अटैच टू सोशल कस्टम स्ट्रॉन्गली, एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज, सीइंग वुमेन एज अ बर्डन, क्यों नेगेटिव पूछा था इसलिए नेगेटिव, लेकिन सम ऑफ दिस आर मिमिक्ड बाय द सिटीज, कैसे रिलीजियस कस्टम आर प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लेसेस विच रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटरवेंशन बाय द स्टेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिजाब या फिर घूंघट प्रैक्टिस इन बोथ सिटीज एंड रूरल एरिया बेस्ड ऑन मॉडेस्टी ऑफ वेमेन, प्रेजेंस ऑफ कास्ट अफिलियेशन और डोमिनेंस इन रेंटल हाउसेस सिटी में होता है, फॉर एग्जाम्पल रेंट ओनली टू एक्स कास्ट, ये एग्जाम्पल दिस इज सिमिलर टू सेग्रेगेशन इन रूरल एरिया बेस्ड ऑन कास्ट हायरार्की, मॉरल पुलिसिंग बाय द सोशल सोसाइटी मेंबर अगेंस्ट द रिलेशनशिप ड्रेस ऑफ वेमेन सिंगल बैचलर, इट स्टेम्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल नोशन ऑफ कंट्रोलिंग अदर्स वे ऑफ थिंकिंग। तो हाउएवर ओवर द इयर्स देयर हैज बीन डिक्रीज इन इक्वालिटी एंड इंक्लूजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकास्ट मैरिज, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर, रीजन रिलीजन, वर्किंग वुमेन ब्रेकिंग द सोशल रिस्ट्रिक्शन एंड स्लोली विद इंटरेक्शन ऑफ पीपल इन इज ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप एंड ठीक है स्टीरियोटाइप एंड पासिंग कॉस्मोपॉलिटन वे ऑफ लाइफ, कुछ होगा कि एंड तो बस ही है, मतलब वो लिखा हुआ था हाँ तो पहले आप लास्ट है ना, थोड़ा फिर पढ़ लेते, अलग तरीके से लिखा है, मतलब बल्राम बताया क्वेश्चन कि सोशल रूरल एरिया में क्या क्या इनक्वालिटी एक्सक्लूजन है, फिर अंडर कनेक्ट किया उससे, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो प्रेशर मिसिंग है, फ्यूचर जो कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है ना, तो राइट लेके आते हैं डेली राइट, या फिर राइट लेके आते हैं फोर्थ लाइन जो है ना, वो लाइक मिसिंग हो गया। मैंने बता दिया कि ओवरऑल के कास्ट स्ट्रक्चर और उस पर बात की, पेट्रियार्कल हो गया या फिर फ्यूडल हाँ माइंडसेट हो गया, उसको लिख दिया आपने। लेकिन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट फॉल्ट लाइन, तो उससे हम भीमराव कोरेंगा वाला केस लेके आते हैं कि वैसे टाइप हो सकता है बाद में, या फिर अभी डेली जो राइट हो सकता है हाँ कमलाइजेशन कारण।
एक्सक्लूजन फ्रॉम रूरल एरियाज, ठीक है। मतलब सोशल, वो इस एक केस का बात नहीं कर रहे, वो सोशल स्ट्रक्चर का बात कर रहे, तो उसी सोशल पर और फिर कल्चरल, कल्चरल भी लेके आ रहा है हाँ वो, कल्चरल कल्चर, स्ट्रक्चर्स ऑफ इनइक्वालिटी। कल्चर में तो वही हुआ ना मतलब कि कल्चर के वही रिलीजन का आ पर्सपेक्टिव गया से पर्सपेक्टिव से, मोटिवेशन। और फ्यूडलिज्म हो गया, और मतलब लेकिन लास्ट में बताया कि ऐसा खत्म भी ये हो आ रहा सकते हैं, जैसे जब फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं इवन सोसाइटीज में करे जाते हैं, तो हिंदू फेस्टिवल्स को ज्यादा पॉपुलरली ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है कंपेयर टू द फेस्टिवल्स ऑफ अदर रिलीजन। तो वो है। कल्चरल में एक आ सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी प्रमोट कर रहा है या नहीं एक्सक्लूजन। लेकिन रूरल एरिया का लिखा है यहाँ पर, बोल रहे कि रूरल एरिया में जो होता है वो हाँ चीज सिटीज में वो हो रहा है, तो आप रूरल एरिया वो ऐसा सोच करके सिटीज में आ रहा है बेसिकली, तो हम ये बात कर सकते हैं। अच्छा जो चीज मेरे को याद है कि घेटोलाइजेशन हो रहा है रूरल एरिया में, हिंदू लोग अलग रहते हैं मुस्लिम अलग रहते हैं, वो सिटीज में भी होता है, वो मेरे को याद ही नहीं है ऐसे स्लम एरिया या फिर घेटो, घेटो नहीं होते, घेटो अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं, हाँ वो उसके ठीक कारण फिर क्या है, वैलिड राइट टाइप कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, वो एक आता है। अच्छा अभी याद है मुझे पॉइंट कि होगा। घेटो एक्शन। फिर इसमें एग्जाम में था मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ट्राइबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक सोशली सब होता है, तो मैंने वही लिखा कि स्लो इंटीग्रेशन टू मेन स्ट्रीम बाय रिटेनिंग द आइडियोलॉजी कस्टम कल्चर, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेशन ऑफ कर्मा फेस्टिवल इन रांची पटना बाय संथाली एंड मुंडा, द लैंग्वेज वो भी रिप्लेस हो रहा है बाय इंग्लिश और हिंदी ड्यू टू द जॉब इन मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, सो थ्रू एट शेड्यूल संथाली एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ स्क्रिप्ट द लैंग्वेज कैन बी सेफ गार्ड, फिर न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली हो रहा है एज अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ मैट्राइकल जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर ट्राइबल का, दिस इज कॉजिंग इंक्रीज बर्डन ऑफ वर्किंग पेरेंट, एलियनेशन ऑफ ओल्ड पेरेंट बैक इन विलेजेस, ये इंक्रीज इन वेस्टर्न वेस्टर्नाइजेशन ऑफ माइंड सेट लाइक फास्ट फूड इंस्टेड ऑफ श्री अन्ना एज मील, लास्ट नाइट स्नैक नाइट आउट, चेंजिंग द फिजियो स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल्स, दिस इज लीडिंग टू इंक्रीज बीएमआई डायबिटिक एक्सेट्रा, हाउएवर देयर आर सम पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऐसे अवेयर दे आर मोर अवेयर ऑफ एफ आर ए ऑफ पैसा ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो रहा है, बीपीओ ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ एग्रो पेस्टोरल वे ऑफ लाइफ, हेल्पिंग इन ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट जैसे तेंदुआ लीफ आर सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट, पेंटिंग लाइक मधुबनी एंड पट्टचित्र आर नाउ सॉट आफ्टर, नीचे कर गेटिंग चिल्ड्रेन बेस्ट एजुकेशन एंड सिक्योर द लाइफ स्टाइल बाई फ्रॉम अनसर्टेनिटी, एग्जाम्पल गवर्नमेंट कॉलेज इन सिटीज एंड ऑनलाइन क्लासेस लाइक स्वयं पोर्टल, तो ये अच्छा ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब नेगेटिव, ज्यादातर लोग इसको नेगेटिव तरीके से मल्टी इम्पोर्टेंट डायमेंशनल बात किया ना इसमें कि, तो चार पांच डायमेंशन हो गया है। और ठीक फिर जा ठीक है मैम सर, है, मतलब हाँ मल्टी तो इसको ओके डायमेंशनल। ओके चलो लेट्स डू। थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जीएस एवरीवन नेक्स्ट टाइम, टू टू आंसर।